अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ए टू जेड सॉफ्टवेयर यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम दोबारा से सैमसंग Z3 बॉक्स को एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे। हम इसका बेसिक वर्जन पहले ही पढ़ चुके हैं, मतलब मैंने पिछली क्लास में जो Z3 बॉक्स है इसका बेसिक समझा दिया था। अब इसका हम ज़रा एडवांस पढ़ेंगे। तो दोस्तों मेरे पास इंस्टॉल है Z3, मैं इसे जूम कर देता हूँ थोड़ी देर। इसे जूम होने के बाद मेरे पास वर्जन है 39.7। ठीक है, यहाँ से हम कोई भी एक मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि नोट में ये, ठीक है, नोट 5 को मैंने ये मॉडल सेलेक्ट कर दिया। अब नोट 5 में ये मॉडल सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर है फ्लैश टैब। ठीक है, फ्लैश टैब में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये मेन्यू, मैं आपको समझा चुका हूँ लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा इसे दोबारा से देख लें। यहाँ से हम अपनी फ्लैश फाइलिंग को सेलेक्ट करते हैं, जो मोबाइल को फ्लैश कर रही होती है उन फाइल को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ 5 स्टेप बने हुए हैं, इन 5 स्टेप में से हम सिर्फ इन 4 को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। PDF फाइल को जो है ना हम इतना यूज़ नहीं करते क्योंकि इसकी बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये भी बहुत अहम है सॉफ्टवेयर के लिए, आपको इसे भी लाजमी समझना चाहिए। 4 रो में हमारे पास जो बूथ, PDA, फ़ोन और CSS। चलो मैं इसको एक बार फाइल दोबारा अपलोड करके आप लोगों को समझा देता हूँ इसी वीडियो में दोबारा से। अगर बिल फर्ज करें हम किसी ऐसे मोबाइल को सॉफ्टवेयर करते हैं, जैसे कि इसी को देख ले आप, नोट 5 ये मॉडल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है सैमसंग का, सही है। आप इसी को देख लें कि अगर मुझे इसे सॉफ्टवेयर करना है तो अगर मुझे नेट से डाउनलोड शुदा फाइल जो मेरे पास होगा, तो अगर वो एक ही फाइल होगा तो ठीक है, एक फाइल को हमेशा हम PDA में अपलोड करेंगे। यहाँ से हम इस तरफ क्लिक करेंगे, ठीक है, ये हमें अपनी फाइल का लोकेशन बताएगा कि आपकी फाइल की लोकेशन कहाँ पर है। मैं जैसे सजेशन में अपने कंप्यूटर में ePartition सैमसंग मोबाइल, ये सैमसंग मोबाइल फ्लैश फाइल, ठीक है, यहाँ पर है नोट 5। ठीक है, यहाँ पर देखो ये इस फोल्डर में सिर्फ एक ही फाइल पड़ा हुआ है, इसे मैंने सेलेक्ट किया तो ये यहाँ पर मेरे सामने इस रो में इसका एड्रेस बार लिंक्स जो सब पार्टीशन का जो एड्रेस है वो सब लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर 3 डॉट बने हुए हैं, इन 3 डॉट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो इस जो फाइल में, ये जो आपकी फाइल है इसके अंदर मजीद अंदर इतने फाइलें हैं, मोडियम, कैशे, सिस्टम फाइल, रिकवरी, बूथ, CN और S बूथ। ठीक है, ये इतने सारे फाइलें आपकी इस फाइल के अंदर मौजूद हैं। ये इस वजह से अगर आप किसी मोबाइल को फ्लैश कर रहे हैं, आपको सिर्फ रिकवरी अपलोड करना है या फिर आपको सिर्फ सिस्टम इसका अपलोड करना है, बाकी कोई भी चीज़ आप अपलोड नहीं करना चाहते, तो आप उसे अनचेक करें। ठीक है, आप उसे अनचेक करें, जैसे कि रिकवरी और सिस्टम मैं अपलोड करना चाहता हूं तो मैं सिर्फ इन दोनों पे चेक करूंगा और ये यहां से फिर फ्लैश करेंगे, जैसे फ्लैश बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल अपलोड होना शुरू हो जाएगी। लेकिन हम हमेशा जो है ना पूरी फाइल अपलोड करते हैं, पी फाइल कम करके हमें इतनी खास ज़रूरत नहीं पड़ती, वो मसले मसाइल के ऊपर होता है कि जो समय आपका मसला फिर वैसे उसका हल। ठीक है, अगर हम मैं कोई एक दूसरा मॉडल सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि ये इसी का रूप देखो, मैं सैमसंग S7 में एक फोल्डर मौजूद था ना मेरे पास, उसी फोल्डर में अब मैं बूथ में जाता हूँ। ठीक है, तो आप ये देखेंगे यहाँ पर एक फाइल है, अगर मैं बैक जाऊँ ये नोट 5 के फोल्डर से बैक, S7 एज का एक फोल्डर है, इसमें अगर मैं जाऊँ तो देखिए यहाँ पर है हमारे पास 4 फाइलें। तो जो 4 फाइलें हैं हम इसे बूथ के रो में कौन सी फाइल अपलोड करेंगे, ठीक है, तो BT बूथ, सही है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है BL। ठीक है, यहाँ पर बूथ है ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ है BL, तो BL का मतलब होता है बूथ लोडर। ठीक है, आप इस फाइल को इसी रो में सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, बूथ लोडर। आप PDA में कौन सी फाइल सेलेक्ट होगी, PDA में आपकी फाइल होगी AP। ठीक है, कभी कभी इसका नाम PDA होता है, कभी कभी AP होता है। ठीक है, तो आप AP और PDA जो अगर इसका जो अपना मौजूदा नाम है आप इसे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और फोन में, तो यहाँ पर फोन में हमें सेलेक्ट करना है CP। CP का मतलब होता है सेल फोन। ठीक है, हमें सेल फोन की फाइल को सेलेक्ट करना है और CSS के अंदर आपने CSS को ही करना है। ठीक है, कि आपकी 4 फाइलें यहाँ से आपने सेलेक्ट की, फिर आपने मोबाइल को इस तरह से डाउनलोड मोड पे ले जाना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और डाउनलोड मोड पे ले जाने के बाद अब जब डाउनलोड मोड पे आपका मोबाइल आ चुका है तो आपने सिंपल सी यहाँ पर ये फ्लैश का बटन दबा देना है। ठीक है, अब मैं इन फाइलों को वापस रिमूव कर देता हूँ, मुझे नहीं करना इस मोबाइल को सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये इसकी फाइलें हैं ही नहीं, मैं आपको सिर्फ समझा रहा था।
अब यहाँ पर है हमारे पास पीटीए। सही है, पीटीए का मतलब होता है पार्टीशन इंफॉर्मेशन टेबल। इस फाइल के अंदर क्या चीज़ें स्टोर होती है देख लो, आपकी स्क्रीन पे मैं यहाँ पर शो करवा देता हूँ। ये सारी चीज़ें जो आप नज़र आ रहे हैं ये आपके इस फाइल के अंदर ही शो रहे होते हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूँ, PL, PTI, EFS, BL और ये कर्नल, रिकवरी, फैक्ट्री, DB, डेटाबेस वगैरह, ये जो जितने मॉडेम के और कैशे के पहले हैं, ये सारी चीज़ें आपकी PTI फाइल के अंदर जो फोल्डर बनते हैं, जो आपको हिडन होते हैं, आपके नज़र नहीं आते, ये उसके अंदर होते हैं। कभी कभी आपके मोबाइल को फ्लैश नहीं हो रहा होता, कोई फाइल आपकी मोबाइल पर मैच नहीं कर रही होती, तो आप उसको जब PTI फाइल अपलोड करोगे तो आपकी ये चीज़ें जो है ना सबसे पहले आपकी मोबाइल पे अपलोड हो जाएगी, तो आपकी मोबाइल की फ्लैशिंग सेटिंग क्लियर सही हो जाएगी। अब यहाँ पर रिपार्टीशन और ये PTI, ये दोनों एक ही चीज़ है। आप रिपार्टीशन करना चाहते हैं तो आपको लाजमी PTI फाइल अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और आप PTI फाइल को अपलोड करोगे तो आपको यहाँ पर चेक लगाना लाजमी है। दूसरी चीज़ है हमारे पास EFS। EFS दोस्तों आप यूँ समझ लो कि EFS जो है आपकी मोबाइल में हिडन एक बहुत बड़ा फोल्डर है, ठीक है। EFS आपके मोबाइल में हिडन एक बहुत बड़ा फोल्डर है। इस फोल्डर में आपके मोबाइल में रेडियो टाइप, जो रेडियो, IMEI नंबर, नेटवर्क और वाईफाई, ब्लूटूथ, इन तमाम के एड्रेस वगैरह, जो नेटवर्क की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपकी इस फोल्डर के अंदर पड़ी होती है, क्लियर EFS, ठीक है। अगर आप इस फोल्डर को बिलफर्ज करो मोबाइल से यहाँ से मतलब क्लियर कर देते हो, तो आपकी उस मोबाइल में ये चीज़ें मसला बिल्कुल आएगा, एक IMEI का, ठीक है, दूसरा उसमें आपके ब्लूटूथ, वाईफाई और रेडियो सिग्नल, रेडियो एक्टिव सिग्नल जो होते हैं वो आपकी बिल्कुल शो नहीं होंगी। ये चीज़ें आपकी इसमें से मसला हो जाएगा। तो आपको अगर इस मसलों से बचना है तो किसी भी मोबाइल को फ्लैश करने से पहले आप यहाँ पर बैकअप में आए, ठीक है। ये EFS और EFS इन दोनों को पहले रीड करें, आपके पास रख लें, खुदा ना खासा फ्लैशिंग के दौरान आपके पास कोई मसला आ गया तो आप उसे इसी जगह से वापस राइट भी करें, ठीक है। क्लियर करने से पहले देखिए, यहाँ पर इस क्लियर को करने से पहले आपने यहाँ से इसका बैकअप लेना ज़रूरी है, और ये आपको इस तरह लेना भी ज़रूरी, क्योंकि जब भी आप कोई प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं और इसमें आप फंसना नहीं चाहते, अपने पैसे कमाना चाहते हैं और उस मोबाइल का ज़ाया नहीं करवाना चाहते, तो आपको ये लाजमी करना चाहिए कि आप दोनों यहाँ से इसकी फाइल को कॉपी कर लें, इसका बैकअप ले लें, ठीक है। और तीसरा है हमारे पास यहाँ पे बूट अपडेट। कभी कभी यू हो रहा होता है कि आपकी मोबाइल को फ्लैशिंग तो हो जाती है कंप्लीट, लेकिन वो मतलब ऑन नहीं होता, या फिर कुछ है ना कोई मसला करता है, या फिर स्क्रीन पे रुका होता है, तो उसी बूट की अपडेटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो आप यहाँ से उसकी बूट को अपडेट कर सकती है, इसे कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार किया हुआ है, 12 साल से मेरे मोबाइल सॉफ्टवेयर का काम कर रहा हूँ, लेकिन सबसे एक ही बार किया हुआ है इसको मैंने, बूट अपडेट। एक मोबाइल था उसमें मसला आया होता कि वो से एक बार मैंने सॉफ्टवेयर किया, जब दोबारा सॉफ्टवेयर कर रहा तो वो बूट एरर बता रहा था, तो मैंने उसको बूट यहाँ से अपडेट करवाया था, तो वो मसला हल हो गया। तो कभी भी जब बूट एरर का मसला आता है तो आप उसका बूट यहाँ से अपलोड करते फाइल अपलोड करते हो तो आपका मसला क्लियर हो जाता है। दूसरा यहाँ पर है हमारे पास अनलॉक, ठीक है। अनलॉक में है बैकअप को, अब लोगों ने देख लिया, यहाँ पर EFS है, रीड सर्टिफिकेशन। रीड सर्टिफिकेशन ये आपके नेटवर्क की सर्टिफिकेट फाइल होती है, ठीक है। और ये NV डेटा, ये भी आपके नेटवर्क को सपोर्ट करता है, इसमें IMEI नंबर वगैरह जितने भी आप होते हैं इसमें आपके स्टोर होते हैं, ठीक है। और रीड सर्टिफिकेट ये आपके IMEI नंबर को भी साथ में स्टोर रखता है, आपके मोबाइल के नेटवर्क को जो है सेलिब्रेशन वो भी अपने पास रखता है, आपके मोबाइल के जो जितने भी जो मैंने कहा था ना EFS, इस फोल्डर में ये सारी चीज़ें पड़ी होती है, जैसे कि इस फोल्डर में सर्टिफिकेशन और NV डेटा, ये आपकी इस फोल्डर में, और भी बहुत सारी चीज़ें QCN भी होती हैं, मैं आपको QCN अभी आगे जो है ना एक दूसरे टैब में दिखा देता हूँ, QCN क्या होता है और उसमें क्या क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी, तो किसी भी तरीके से मैंने आपको कहा है कि इस फोल्डर को बचा के रखना है अपने मोबाइल में, ठीक है। अब हम अनलॉक पे जाते हैं। अनलॉक पे गए तो यहाँ पर हमारे पास पोर्ट, पोर्ट के साथ ही हमारे दो रो है, ठीक है। एक है जो पोर्ट है कॉम पोर्ट, और एक है ADB पोर्ट। ADB और कॉम पोर्ट, कोई भी
अगर आपको मोबाइल को अपने इन सारे फंक्शन को अप्लाई करना है, ठीक है, तो अगर आप कॉम पोर्ट से करोगे तो आपको मोबाइल डाउनलोड मोड में रहते हुए भी आपके मोबाइल पे ये फंक्शन काम करेंगे, ठीक है। अगर आपके एडीबी पे काम करना है तो आपको मोबाइल ऑन होगा, डाउनलोड मोड पे नहीं होगा, तो आपकी ये वाले फंक्शन काम करेंगे। एडीबी पे यहाँ पर सिर्फ एक ही फंक्शन बना हुआ है, ये रहा FRP, ठीक है, ये आपका एडीबी पे काम करेगा। और जिसके साथ FRP React डबल ई लिखा हुआ है, ये आपका डाउनलोड मोड पे काम करेगा, सही है, ये आपका डाउनलोड मोड पे काम करेगा। आप उसका पैटर्न रीड भी कर सकते हो, बगैर डेटा डिलीट किए आप उसका पैटर्न रीड करो, आपके मोबाइल का डेटा बढ़ जाएगा, सही है। यहाँ पर है, देखो इस जगह पे ज़रा गौर करो, FRP ये भी है, FRP ये भी है, और ये वाला भी है, ठीक है। तो ये तीन तरीक़ों से आप इस मोबाइल की FRP ख़त्म कर सकते हो। ये मोबाइल कौन सा है, ये है Note 5, ठीक है, सैमसंग Note 5 है इसका। आप तीन तरीक़ों से FRP ख़त्म कर सकते हो। एक, डाउनलोड मोड पे मोबाइल को ले जाए और रिसेट कर दे। दूसरा, मोबाइल की ADB ऑन करे और रिसेट करे। और तीसरा है आपका मोबाइल यू, आपका जो है ना यहाँ पर लिखो ना UFS, ठीक है, जो आपका Z3 है बॉक्स है ना, उसमें जो कॉम पोर्ट है वहाँ पर केबल लगा के डायरेक्ट वहाँ से करें, सही है। मोबाइल डेड मोड पे होगा, वॉल्यूम की मतलब वॉल्यूम डाउन का बटन ना दबा के रखे और मोबाइल लगा दे, तो आपका यहाँ से अनलॉक हो जाएगा। ये तीन तरीकों से आप अनलॉक कर सकते हो, और यहाँ से आप पैटर्न रीड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर है रीड फोन इन्फो, ये सिर्फ आपकी फ़ोन की इन्फो ले रहा होता है कि आपके मोबाइल कनेक्ट हो रहा है या नहीं, ठीक है, और आपके मोबाइल में कौन सा वर्जन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, उसमें एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है, और उसकी IMEI नंबर वगैरह चीज़ें आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो करवा देगा। यहाँ पर है रीड कोड्स, ये रीड कोड्स का मतलब होता है कि आपके जितने मोबाइल को सिक्योरिटी कोड वो वाले नहीं जो मोबाइल पे ये पैटर्न कोड लगाते हो, आपके मोबाइल की जो सिक्योरिटी होती है जिसे यूज़र के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, जैसे कंपनी वालों लगाए होते हैं कि यूज़र ये चीज़ें नहीं चलेगा मोबाइल में। मोबाइल में बेसिकली आपको बहुत सारे फंक्शन होते हैं, हिडन फंक्शन होता है, आपको कस्टमर को नज़र नहीं आते, तो उसके कोड आप यहाँ से रीड कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर ज़रा देख लें, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, सही है। यहाँ पर अगर हम गौर करें तो ये है ना DM+, सही है, मोडियम प्लस ADB, इसको ऑन करने के लिए एक कोड है। क्या कोड है, ये है *#0808#, तो इसी तरह के कोड्स आपको रीड करके देगा मोबाइल से, ठीक है, और जो कि यूज़र के लिए नहीं होते, तो आप कोई मसला होता वो उस मसले को उसके जैसे हल तो आप वैसे करोगे। अब दूसरी बात कि अब इन फोल्डर से अब आगे जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर सैमसंग Note 5 को सेलेक्ट किया हुआ है, तो इस मोबाइल में लाजमी बात है कि IMEI नंबर जो ना एक ही चढ़ेगा, क्योंकि इसमें एक ही सिम होगी। मुझे नहीं पता इसमें एक सिम है या नहीं, लेकिन इसमें यहाँ पर एक ही सिम का ऑप्शन आ रहा है, तो इसमें एक ही सिम होगा। अब एक सिम के साथ अगर आपने उसके IMEI रिपेयर करनी है तो वो मोबाइल लाजमी ऑन होना चाहिए, सही है। यहाँ पर लिखा हुआ कि आपका मोबाइल रूट होना चाहिए ऑटोमेटेड, और उसको पावर ऑफ कर, फिर यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शन लिखी हुई, लेकिन कोई जरूरत नहीं है इसकी। आप मोबाइल की IMEI नंबर जो उसके बैक कवर में लिखी होती है वो अपलोड करें, यहाँ पर आप उसकी चेक लगाएं, आपका मोबाइल ऑन होना चाहिए, उसकी ADB इनेबल होनी चाहिए, ठीक है, आप यहाँ से कर सकते हैं। आप उसे रिसेट कर दें, यहाँ पर है आपके पास रिसेट EFS, ठीक है, EFS जो आपका IMEI नंबर है उसमें आपको स्टोर होता है ना, मैंने आपको कहा कि आपके यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि EFS, ठीक है, EFS में आपके IMEI नंबर वगैरह सब कुछ, रेडियो वगैरह सब कुछ इसी फोल्डर में स्टोर होता है, तो आप इस फोल्डर को एक बार करके रिसेट कर दो, सही है। लेकिन पहले आप रिपेयर कर दें, रिपेयर से आपका काम हो जाएगा, नहीं हो रहा हो तब आप ये कर सकते हो, लेकिन उसका बैकअप लेने के बाद, ठीक है, आपको बैकअप मैंने बता दिया था कि यहाँ से बैकअप में आपकी EFS का बैकअप ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर है आपका रिपेयर नेटवर्क और पास सर्टिफिकेट, ठीक है, पास सर्टिफिकेट का ये होता है कि आप नेट से एक फाइल डाउनलोड करोगे उसका, और यहाँ पर आप पॉज करोगे तो आपके मोबाइल की नेटवर्क बहाल हो जाएगी, ये, और यहाँ पर लिखा हुआ है रिपेयर DRK, ठीक है, ये कहते हैं कि आपके मोबाइल को हम डायरेक्ट ही अनलॉक करेंगे नेटवर्क के लिए, तो वो यहाँ से आपका हो जाएगा, उसके जो एड्रेस है वहाँ से लिंक हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है रिसेट MSL, ठीक है, MSL का मतलब होता है
मास्टर सब्सिडी लॉक, ठीक है, सब्सिडी मास्टर सब्सिडी लॉक आपके मोबाइल को प्रोटेक्ट करता है कि आपके मोबाइल को कोई IMEI नंबर को ना चढ़े, उसको चेंज करने के लिए जो उसके ऊपर सिक्योरिटी लगाई होती है उसको कहते हैं NSL लॉक। आप अगर इस मास्टर सब्सिडी लॉक को रिसेट करते हो तो आप अपने मोबाइल की रिपेयरिंग ये IMEI नंबर आराम से चेंज कर सकते हो, सही, चेंज मतलब रिपेयर कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ से इसको रिसेट कर दोगे आपके मोबाइल की प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगी, फिर उसे आप आसानी से इन सारे फंक्शन के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। चौथा टाइप है हमारे पास डाउनलोड का। यहाँ पर बेसिकली बहुत सारे फाइलें डाउनलोडिंग के लिए आ रही होती है कि अब मेरे पास वो फाइलें मौजूद नहीं हैं क्योंकि मेरे पास नेट नहीं है रात के, अब यहाँ पर तो 12:14 है लेकिन मेरे पास अभी एग्जैक्ट टाइम हो रहा है 2:20, तो इस टाइम मेरे पास नेट नहीं है, मैं घर पे मौजूद हूँ, मैं लैपटॉप घर से घर पे लाया था दुकान से, तो इस वजह से यहाँ पर फाइलें शो नहीं हो रही। अदरवाइज अगर ये आपने जो मॉडल यहाँ पर सेलेक्ट किया तो उसकी फाइलें नेट से आपको डाउनलोडिंग के लिए दी जाती हैं इस एरिया में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते। पिछली वीडियो में मैंने समझाया था, आप उस वीडियो को फॉलो करें देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि फाइल डाउनलोड कैसे करते हैं। तीसरी और जो, अच्छा अब यहाँ से हम कुछ और मॉडल सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि हम करते हैं J5, सही है, J500 मैंने F कर दिया इस मॉडल को। अब हम दोबारा से, अच्छा ये J5 ये देखिए मैंने इसको फ्लैश किया तो इसे ऑटोमेटिक वही फाइल दोबारा उठा दी, मुझे नहीं करना दोबारा फ्लैश, यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखो मैं अनलॉक में गया, सही है, अनलॉक में ये एरिया हमारे पास कम हो गया, सही, यहाँ पर और फंक्शन के वो गायब हो गए क्योंकि इस मोबाइल में जितना सपोर्ट होगा उतनी फंक्शन यहाँ पर भी हमें दिए जाएंगे। और यहाँ पर अगर हम रिपेयर में जाएं तो देखें आपके रिपेयर में यहाँ से IMEI नंबर का टैब भी गायब हो गया, वो काम नहीं कर रहा आपका, लेकिन यहाँ पर आपका MSL का जो ऑप्शन है वो अभी भी मौजूद है और साथ में EFS NV नेटवर्क के लिए आप उसको दोबारा से क्लियर भी कर सकते हो। और यहाँ से आप उस पर फैक्ट्री मोड डिसेबल भी कर सकते हो, कभी मोबाइल पे फैक्ट्री मोड इनेबल हो जाए ना तो आपको ऐसे पता नहीं लगेगा लेकिन उस मोबाइल को नेटवर्क नहीं आ रहे होते हैं, सही है, आप उसे यहाँ से डिसेबल करें आपके मोबाइल के नेटवर्क आ जाएंगे। कभी कभी आपके पास इंशाल्लाह अगर आपने देखा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छा कभी ऐसे हो सकता है कि कस्टमर आपके पास मोबाइल लाए उस पर लिखा हुआ आता है ना कि दिस नेटवर्क इज नॉट रजिस्टर्ड, सही है, जब वो क्वेश्चन आ रहा होता है तो आपने एक बार लाजमी कोशिश करनी चाहिए कि उसके ना जो फैक्ट्री मोड है वो उसे यहाँ से डिसेबल करवा दी। J5 में ये मसला बहुत होते हैं, अगर आप इसे यहाँ से डिसेबल करते हो ना तो आपकी मोबाइल के नेटवर्क वापस से बहाल हो जाएगी, सही है। और दूसरा यहाँ पर है एक्टिव डिंग को हम उस सूरत में करते हैं कि अब हम जो ये क्वालकॉम आईसी में होता है, ठीक है, एक्टिव डिंग अगर हम उसे एक्टिव डिंग करते हैं तो हमारे उस सॉफ्टवेयर का जो है ना सपोर्ट पोर्ट का जो ये सपोर्ट है ना ये कॉम पोर्ट और ADB पोर्ट, यहाँ पर जब एक्टिव डीइंग करेंगे तो हमारे पास एक तीसरा पोर्ट भी आएगा तो वो भी हमारे पास डायरेक्ट सपोर्ट हो जाएगा ICP काम करने के लिए। और इसके अलावा इस मॉडल में हम, चलो ये मॉडल चेंज कर लेते हैं क्योंकि इसमें यहाँ पर फंक्शन कम है, कोई ऐसा मॉडल लेते हैं जिसमें यहाँ पर फंक्शन कुछ ज़्यादा हो, मैं लेता हूँ J610, ठीक है, G610 लेना था। ठीक है ये मॉडल ये, इसमें देखते हैं इसमें भी FRP है, अच्छा यहाँ पर देखिए अब इसमें ADB पोर्ट सेलेक्ट करना है और FRP, सही, रिसेट FRP, रिसेट FRP के इसमें आप ये देखो कि अगर आप इसमें FRP करोगे तो आप उस मोबाइल पे लाजमी कम्बिनेशन फाइल या फिर ADB इनेबल फाइल अपलोड करना है ताकि आपकी उसकी ADB ऑन हो जाए और ये आपका मोबाइल ऑन होगा तब जाके ये आपका काम करेगा, ये डाउनलोड मोड पे आपका ये फंक्शन काम नहीं करेगा, ठीक है। ये वीडियो अगर ज़्यादा लंबी होगी तो मैं इसे दो हिस्सों में तकसीम कर दूंगा, Part 1 और Part 2 आप दोनों देख लेना तो आपको बहुत ही बेहतरीन ZTE बॉक्स का जो है ना समझ में आ जाएगा कि इसमें कितनी चीज़ें और कैसे काम करती हैं। अब मैं यहाँ पर वापस आता हूँ, इसमें वही चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं हुई मुझे, अच्छा दोस्तों आप लोगों को बस ये दिखाना था, हम वापस फर्स्ट पेज पे गए क्योंकि मुझे अभी मालूम नहीं कि कितने मॉडलों में ये मौजूद है, तो मुझे फर्स्ट पेज पे आपको यही चीज़ आपको दिखानी थी कि यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है ना, ठीक है, ये सारी इन इसमें, ये तो पहला जो टैब था ये वाला, ये मैंने आपको पढ़ा दिया ये सारे फंक्शन, ये दूसरा बैकअप का मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है, ठीक है, ये तीसरा टैब है अनलॉकिंग का,
तो ये मैंने आपको मुकम्मल समझा दिया है। लेकिन अगर